हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 11:30 हो रहे हैं और जस्ट अभी सो के उठेंगे। कल रात को हमें लेट हो गया था आने में और हमने खाना भी मंगवाया था, तो इस वजह से उसके बाद हमारे ध्रुव ने खाना खाया था। फिर हम 3 बजे सोए थे तो 11 बजे सो के उठे हैं। अब गुड मॉर्निंग बोल दो। तो बेटा गिर जाएगा स्टैचू। अब स्वाति ब्रश कर रही है। वेरी गुड। पानी कितना खारा पानी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम दिल्ली क्यों आए थे। दिल्ली में हम आए थे डायमंड फैक्ट्री में। हाँ, स्वाति कह रही थी मैंने वो डायमंड का नोज पिन लेनी है और भी कई चीजें देखेंगे, तो चलते हैं आज डायमंड फैक्ट्री में। ये पहन और बोर हो गई हूँ। ये पहन के बोर हो गई, देखो। लेकिन ये अच्छा लगता है, दिख तो रहा नहीं है। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। नोज पिन मिल गई। चलो न्यूज पिन लेना। तो रेडी हो जाते हैं क्योंकि 2 बजे से हमें पहले 2 बजे पहुंचना है। दो बजे पहुंचना है, अभी तो 12 बजे हैं। 12 हमें टाइम लग जाएगा, 1 घंटे ही ढूंढ रह गए हैं। हाँ तो चलेंगे। तो सुबह के नाश्ते मंगवा लिए हमने, चाय और ब्रेड टोस्ट। आपके लिए दूध मंगाया है। ये तो फाइनली गाइस, मैं और ध्रुव हो चुके हैं रेडी जाने के लिए डायमंड फैक्ट्री। तो आज हम लोग आए हैं कीर्ति नगर में डायमंड फैक्ट्री में। स्वाति को कुछ सामान खरीदना था, ठीक है। अब खुश? यस। अब मत रोना। क्या था? डायमंड का नेकलेस है? नेकलेस लाओ। अरे तुम्हारे लिए तो पूरी डायमंड फैक्ट्री खरीद दूंगा मैं। हल्के में ले रहे हो क्या? देख ले, सेंट मारती है, सेंट मार रही। नहा लेती इससे बढ़िया। नहाने के बाद सेंट कौन मारता? तू क्या हुआ, हर कोई मारता है। पापा ने नहीं मारा सेंट। रहने तो पहले पूरा देखो, खाली हो गया, खाली हो गया। तो चलो जल्दी निकलते हैं, सामान वामान पैक कर दो, चलते हैं। ये तो हम लोग निकल चुके हैं डायमंड फैक्ट्री जाने के लिए। ये देखो बाबू अब अपनी सीट पे बैठता है। वेरी गुड। दिल्ली का ट्रैफिक, ये है मोती नगर मेट्रो स्टेशन। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के पास और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग आज कहाँ आने वाले हैं। स्वाति को चाहिए कुछ सामान, ये मेरा खर्चा करवा के मानेंगे। तो कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के पास ही ये डायमंड फैक्ट्री है, चलते हैं अंदर। अब मेरा खर्चा होने वाला जबरदस्त। एक बाबू के लिए ओम लेंगे और एक अपने लिए नोज पिन वगैरह लेंगे, ठीक है? ठीक है। एक मंगलसूत्र आ दो डायमंड का। डायमंड का? अरे सब कंपनी दिलवा दूंगा तुम्हें। चलो अंदर चलो। डायमंड का ओम पहनेगा तू है? बाप ने सोना नहीं पहना आज तक। चलो अंदर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं डायमंड फैक्ट्री में और मैं जिंदगी में पहली बार इतना सारा डायमंड देख रहा हूँ सच में। और स्वाति को दिलवाने वाला हूँ। क्या लेना है स्वाति तुम? यार मेरे को तो यहाँ देख के साथ चलने का मन कर रहा है, इतना आपको मेरा बजट नहीं है। इतना अभी मेरा बजट नहीं है, वही लो जो मैं दिलवा सकता हूँ, ठीक है। बेटे तुम्हें क्या लेना है? पर मैंने सुना है यहाँ आके सबका बजट बन जाता है। बन जाता है? क्या बात है। तो मैं आपको थोड़ा सा बजट में भी हूँ, सिनेमैटिक में डायमंड दिखा देता हूँ। मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ तो अपने नजरिए से आपको भी दिखाऊंगा। तो गाइज मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अमित भाई का व्लॉग देखा था और सचिन भाई का व्लॉग देखा था, तो मुझे डायमंड फैक्ट्री के बारे में पता चला। तो तब से स्वाति के अंदर चुलबुली मची हुई थी कि मेरे को भी डायमंड का कुछ लेना है। और दिखाओ ये जो डायमंड की रिंग है, ये मैंने स्वाति को अपने इंगेजमेंट में दी थी, जिंदगी में पहली बार अपनी प्रॉपर्टी बेच के। पर मुझे तो लेकिन सचिन भाई के व्लॉग में हमने देखा कि डायमंड पता लग जाता है कि ओरिजिनल है कि नकली है। तो स्वाति के भी मन में था कि मैं भी घेर दिया क्या इसने बेटे। हाँ तो स्वाति जब से कह रही थी कि मेरे को भी अपना डायमंड चेक कराना है कि आप नकली हो या आपने नकली दिया या असली दिए। मतलब तो आज डायमंड डायमंड पता चल ही जाएगा आपका। आज मेरा खुलासा हो जाएगा पूरा। तो आज हम अपने डायमंड रिंग भी चेक करवाने वाले हैं, क्योंकि जब तक डायमंड चेक नहीं होगा तब तक हमको भी तसल्ली नहीं होगी और आपको भी तसल्ली नहीं होगी। अगर आप लोग भी डायमंड फैक्ट्री आते हो और कोई डायमंड लेने आते हो तो
तो आपको भी पता लगना चाहिए कि जो डायमंड आप ले रहे हो वो असली है या मिलावटी है, ठीक है। तो आपके पास मशीन है ना, मैंने देखी थी, आओ मशीन। इसमें आप एक बार चेक करके बता दोगे आप कैसे? आप किसी भी ज्वेलरी पर रैंडमली आप बोलिए, मैं टच करूंगी तो इसमें शो हो जाएगा। स्वाति ये जो बीप बजेगी और रेड लाइन है जो ऊपर जाएगी, इससे अच्छा। ये प्रूव होगा इट्स रियल डायमंड। अच्छा। आप रैंडमली किसी पर भी टच करो। अब मुझे अपनी रिंग देख के डर लग रहा है, ये नकली निकली ना, कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं, नकली को निकलेगी, मैंने प्रॉपर्टी बेच के तुम्हें दिलाई है, चेक करो एक बार, इसकी चेक करके बता देना मैम। देखो आपका मंगल सूत्र लेने का भी मन था कि डायमंड का मंगल सूत्र पहनू। मैंने आज तक कभी जिंदगी में सोना नहीं पहना, लेकिन बीवी को डायमंड दिलाऊंगा मैं आज। और इतनी सारी चीजें आपने रख दी, मैं क्या बताऊं आपको। हमारे पास सारी ज्वेलरी मिलेगी आपको, डायमंड कुछ भी, डायमंड का जो भी, सारी मार्केट से 65% लेस प्राइस पर। मैं साइड में आ रहा हूं एक मिनट। तो गाइस, मार्केट से 65% लेस है, जल्दी आओ, सोना क्यों खरीद रहे हो, डायमंड खरीद लो। मैंने कहा था यहाँ पे आगे सबका बजट बन जाता है, मैंने भी देखे हैं। तो हमने शादी जल्दी कर ली, जो भी गोल्ड लिया था उसकी जगह हम डायमंड ले सकते थे, तो उस एनिवर्सरी पर उनको गिफ्ट कर सकते हो। मैम आप मेरा खर्चा करोगे, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, बहुत सारे ओकेजन है। मेरे को बच्चे के लिए ओम लेना है डायमंड का। इयररिंग्स है, ये सारी इयररिंग्स है, झुमकी स्टाइल में हैंगिंग में चाहिए वो उनके डिजाइन भी है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है, आप अपना भी कोई डिजाइन लाते हो ना तो हम वो बना कर दे देंगे आपको। जैसे बाहर आपको वो पोस्टली मिल रहा है, हाँ। तो गूगल से कोई भी फोटो लाके जैसा बना बाहर है उससे हमको, हमारे पास जो मिलेगा 65% कम मिलेगा आपको। अगर 1,00,000 का बाहर है तो यहाँ 35,000 में मिल जाएगा, है ना, है? और क्या, मैं तो भी सोच रही थी क्या 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 सोच रही थी। एक बार ये इसका प्राइस बता दो मंगलसूत्र, मेरे को ये वाला पसंद आ रहा है, हाँ ये 3 नंबर वाला, 36 के 36 गुने, मेरे को यही पसंद आया। स्वाति को बहुत अच्छा डिजाइन है ये मंगलसूत्र की। हमारे पास बहुत रेंज मिल जाएगी, जितने भी सेलिब्रिटीज है जिनके अभी रिसेंट मैरिज हुई है, जैसे आलिया भट्ट हो गई, वो विदिशा परमार, कैटरीना कैफ, उन सबके मंगलसूत्र के डिजाइन भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी सेलिब्रिटी को किसी और का पहनना चाहते हो वो हमारे पास लाओगे, वो हम रेडी करके देंगे। किसी और का तो चोरी करना पड़ेगा फिर तो। अरे मंगलसूत्र डिजाइन मैं अपना खुद का पहनूंगी। तो ये इसका प्राइस पता चल जाएगा, ये लास्ट वाला, हाँ। ये अप्रॉक्सिमेटली 70-75 के बीच में होगा विद चेन। विद चेन 75,000 में डायमंड, यार मतलब सोने का मंगलसूत्र इतने में बनता है जैसे अगर अदर शॉप से लो तो है। तो गाइस ये जो मैंने मंगलसूत्र स्वाति को करवा चौथ पे दिलाया था, ये इतनी सी झिल्ली सी लटका रखी है और ये 37,000 रुपए की मिली थी। और अगर मेरे को पता होता कि डायमंड का मतलब मंगलसूत्र, देखो देखो मतलब डायमंड ही डायमंड है और सिर्फ 72,000 के समथिंग, और गोल्ड भी है इसमें पूरा फुल ऑफ 14 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड और रियल डायमंड के साथ है ये। अगली करवा चौथ पक्का मैं तुम्हें मंगलसूत्र दिलाऊंगा, डायमंड फैक्ट्री से दिलाऊंगा। मेरा बर्थडे करवा चौथ तो बहुत दूर है अभी, तुम्हें बजट बना तो लूं बजट बना तो लूं तब तक है, थोड़ा सा टाइम पीरियड मिल जाएगा ना आपको लेने के। हां और क्या, नहीं बर्थडे में आप छोटी चीज ले लेना, मंगलसूत्र करवा चौथ लाइक अ रिंग, रिंग ले लेना, रिंग भी है, ये वाली रिंग ले लेना, ये वाली रिंग देखो, ये वाली लोगे, ये वाली कितनी प्यारी लग रही है बेटे। आज इसके लिए कुछ ले गया, तेरे बाप ने सोना नहीं पहना समझ रहा है, लेकिन तेरे को डायमंड पहनाऊंगा, ये खुश हो गए। आप भी बताइए मुझे डायमंड के बारे में, तो इतनी नॉलेज नहीं है हमें। देखिए डायमंड हम आपको साथ में टेस्टर तो मैंने आपको दिखाया कि टेस्ट करके देंगे, लाइव टेस्ट करके देंगे। उसके अलावा अगर आपको एक डायमंड का कार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको, तो सर्टिफिकेट के जो चार्जेस होते हैं बट एक्स्ट्रा 250 रुपीज, आपका जो भी आप सर्टिफिकेट ज्वेलरी आप परचेज कर रहे हो उसकी पूरी पिक्चर होगी उसके ऊपर। अच्छा। और उसकी पूरी डिटेल, मतलब जैसे मैंने ये लिया तो इसकी पूरी फोटो आएगी, इसकी फोटो बनी होगी उसके ऊपर, उसकी डायमंड की कट, कलर, क्लैरिटी सब कुछ मेंशन होगा, उसका गोल्ड वेट, डायमंड वेट सब कुछ लिखा होगा। अच्छा। वो गवर्नमेंट अप्रूव लैब का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो अगर कस्टमर मांगता है तो हम वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं, उसके चार्जेस कस्टमर को पे करने होते हैं। जैसे ये देखिए ये सर्टिफिकेट है, हाँ ये कार्ड, ये किसी नोज पिन का है, तो ये नोज पिन है, इस पे लिखा हुआ है 14 कैरेट गोल्ड है और डायमंड है सब, मतलब ऐसा पूरा कार्ड मिलेगा हमें। हाँ जी,
और एक चीज और मेरे भी मन में है और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके भी मन में है, सपोज मैंने ये खरीदी, ये पड़ी मेरे को 50,000 की, और जब कुछ घर में सिचुएशन खराब होगी और हमें रिटर्न करनी हो तो कितने परसेंट में रिटर्न होती है? सर उसके लिए भी हमारी पॉलिसी बहुत बेस्ट है। अगर आप इसके बदले में कुछ और लेते हो, मान लो आपको डिजाइन चेंज करना है, नहीं बेचनी है, उसका भी बताती हूँ। अच्छा। अगर एक्सचेंज करना है इसके बदले में कुछ और लेना है आपको, तो 100% जैसे आपने जो गोल्ड का पे करा है उसका 100%, जो डायमंड का पे करा है उसका 100% लेस हो जाएगा। और अगर आप कैश लेते हो तो कैश में आपको 90% डायमंड का कैश और 94% गोल्ड का कैश कभी भी ले सकते हो। उसमें लॉस नहीं आपका होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता ही जाता है। हाँ। तो एप्रिसिएशन प्राइस से मिलेगा जो वो जैसे अगर हमने 50,000 रुपए का लिया, आने वाले टाइम पे अगर बेचेंगे तो 94% अगर आपको वापस भी मिल रहा तो भी आपके समथिंग समथिंग वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ लॉस नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छी है, आप घाटा करवाते रहे तो। इसके लिए ओम लेते हैं थोड़ा छोटा सा, मतलब बाबू खुश मत हो बेटे, तेरे से वापस ले लूंगा। सोने के तो बहुत मिले पर डायमंड का पहनाया, सोने का पहनाया नहीं। अब वो रो गए वापस ले लूंगा पैसे। ये देखिए अब आप बोल रहे हो उसके लिए आपको ओम पेंडेंट लेना है। हां जी, वेरी प्रीटी पेंडेंट। ओ जी को ध्रुव, अच्छा ये देखो ना कितना प्यारा लग रहा है ध्रुव, अच्छा लग रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं बेटे, बाद में सारा वसूलूंगा। अच्छा लगा आपको? देखो ना कितने प्यारे प्यारे ओम में डिजाइन है, ये पेंडेंट बहुत अच्छा है। सारे पेंडेंट के डिजाइन रही अलग अलग, देखिए ये भी पेंडेंट है। हाँ। ये हार्ट शेप में चाहिए किसी की चॉइस, हां जी, कि उसमें किसी को बनवाना हो तो वो ऐसे में डिजाइन, इविल आई में चाहिए, आजकल काफी ट्रेंड में है इविल आई। इविल आई मेरे को बिग बॉस लगा, बिग बॉस की आई, आप बिग बॉस समझ लो उसको। ये देखिए ये तो बहुत ही चलता है, ये सारे मतलब सब जनरेशन के लोग इसको पहन सकते हैं ये डिजाइन को। गाइस ये है, क्या नाम है इसका? ध्रुव। ध्रुव डी से बनवा सकते हो, पूरा नाम लिखवाना है, पूरे नाम का भी बनवा सकते हो कस्टमर, मतलब मंगलसूत्र में भी ऐसे बन जाएगा नाम जैसे मैंने कई लोगों के देखे। आजकल इन्फिनिटी में चलता है, जैसे एक साइड ऊपर आपका नाम और नीचे इनका नाम और बीच में इन्फिनिटी। अच्छा, वो बहुत अच्छे डिजाइन बन जाते हैं, आप अपना कोई भी डिजाइन लाओ जैसे भी आपको बनवाना है हम बना सकते हैं। तो गाइस स्वाति को ये ओम पसंद आ गया, इसका एक बार प्राइस बता देना। अप्रोक्सीमेटली 14,000। क्या देख रहा है? अरे दिलाऊंगा बेटे, दिलाऊंगा स्वाति, ठीक है मैं तो तुम्हें करवा चौथ पे मंगलसूत्र दिला दूंगा, ठीक है? मैं भी तो व्रत रहता हूँ तो तुम भी तो मेरे को गिफ्ट दिलाओगी। हाँ हाँ, तो मेरे को भी डायमंड की रिंग चाहिए मैम, बॉयज के लिए भी डायमंड की रिंग मिल जाएगी? स्टार्टिंग कहाँ से है? बॉयज में स्टार्टिंग रिंग है 20,000 से। ये देखिए 20,000 में आपको डायमंड की रिंग मिल जाएगी फॉर बॉयज। ले वो अभी तुमने मेरे को दिलाई है, सोने की अंगूठी दिलाई, वो भी किसी दुकानदार ने बोल दिया नकली है वो सोना, बताओ। अरे तुम मेरे से कह, ये खरीद के लिए आई थी सरप्राइज देने के चक्कर में बर्बाद हो गई। तो ये देखो एक्चुअली ज्वेलरी हमेशा या बेयर करके देखो, पकड़ो स्वाति, देखो आप ऐसे मैंने कभी गोल्ड नहीं पहना, साइज भी ठीक है, डायमंड पहन रहा हूँ और एकदम साइज साथ ही अच्छा लग रहा है आपके हाथ में, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बेटे। इसमें और भी डिजाइन होंगे ना वो, इसमें ये 20,000 की है, स्टार्टिंग 20,000 की मैं ज्यादा हमारी यही चलती है। अब देखो वैसे तो डिजाइन बहुत सारे हैं, वो भी पैलेट है, ये भी है, मैं अगर आप थोड़े पसंद करके देखता हूं, अगर आप थोड़े और ऊपर में जाते हैं ना तो और भी अच्छा डिजाइन मिल जाएगा। ये सारी बॉयज की है ना? हां हां सारी बॉयज की, ये सारी बॉयज की, वो सारी बॉयज की, आपको सॉलिटेयर में चाहिए सॉलिटेयर में मिल जाएगी। सही लग रही है? मस्त लग रही है। अगर आज आप उनको दिला दो, अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप सॉलिटेयर में भी ये ट्राई कर सकते हैं। बजट तो बहुत ज्यादा है, ये लेटेस्ट है डिजाइन जो आया है। यार अच्छा लग रहा है आपके हाथ में, दिखाओ इसका प्राइस। वो सर पटक रहा है अपना, देख रहे हो मेरा तो ले लो पहले। हाँ तुम्हारा वो पक्का है बेटा, पक्का है, डन। इसका प्राइस
और ये वाली 56 सेंट का सॉलिटेयर है। हाँ जी, ये अप्रोक्सीमेटली आपको नियर अबाउट 90,000 तक पड़ेगा, 90,000, क्योंकि इसमें बीच में सिंगल पीस है। अच्छा। अगर आपको इसको अपने बजट के अकॉर्डिंग कम भी करना है तो इसका ऑप्शन एक लगा सकते हो आप, बीच में सॉलिटेयर हटाकर 7 डायमंड की क्लस्टर सेटिंग में बनवा सकते हो। तो भैया 90,000 का वजन भी हाथ में है, एक वो 20,000 और 90,000 में अंतर बहुत है, और डायमंड भी बहुत जबरदस्त है, और गोल्ड भी ये भारी पूरा डायमंड ही होता है ना, मतलब कोई मिलावट वगैरह नहीं। अरे वो मशीन चेक एक बार इसका चेक करा दो, सर्टिफिकेट भी किसी का भी चेक कर, किसी का भी आप अपने हाथ से चेक कर सकते हो। और अभी एक और चीज दिखाएंगे, फिर इसके आपको शायद उससे ज्यादा श्योरिटी हो जाएगी। हाँ आपको मैं दिखाती हूँ, नकली डायमंड भी चेक कर देती हूँ इससे, और असली तो आपके सामने। एक बार ये चेक कर, असली है भाई, साइड डायमंड पर भी करो। और ये देख लीजिए, अब ये नकली है, अब इस पर आप टच करोगे कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस ये देख लो, अब तक आप घाटे में जा रहे थे, जल्दी से डायमंड फैक्ट्री आ जाओ, ओरिजिनल डायमंड ले लो, क्यों नुकसान में जा रहे हो। बहुत बढ़िया चीज। डिजाइन का क्या सीन है कि जैसे आपको कुछ भी पसंद आ रहा है, गूगल पे जाओ, स्क्रीनशॉट लेके आप मैम को दिखा दो, और कितने दिन में बन जाता है? 1 वीक के अंदर आप कोई भी कस्टमाइज करवा दो, 1 हफ्ते में बन भी जाएगा भैया। जैसे अगर आपकी 1 हफ्ते बाद शादी है, आप 1 हफ्ते पहले आ जाओ, हार भी बन जाएगा 1 हफ्ते में। नेकलेस में 10 डेज लगते हैं, बाकी ज्वेलरी में 1 वीक में बन। तो 1 हफ्ता 10 दिन ज्यादा नहीं होते, नेकलेस भी 10 दिन के अंदर रेडी हो रहा है। प्यारे प्यारे डिजाइन है यार, आपने कभी मुझे नेकलेस नहीं दिलाया। अरे तुम रुक जाओ, तो अभी एक बार नेकलेस की भी आपको सिनेमैटिक सीन दिखा देता हूँ, और फिर एक उतरब आके देखते हैं स्वाति पे अच्छा लगता है कि नहीं। देखते तो गाइस हमने बॉयज की रिंग देख ली है, स्वाति के लिए हार देख लिया है, स्वाद बाबू के लिए हमने ओम भी देख लिया है, अब एक चीज और देख लेते हैं। जो ये घर से निकलते निकलते चिल्ला रही थी, मेरे बाल खींच मारे इसने, तो स्वाति कह रही थी मैं ये पेन पहन के बोर हो गई हूँ, अब मेरे को नोज पिन और देखनी है, जो हमने अमित भाई के ब्लॉग में देखा था, तो एक बार नोज पिन भी देख लेते हैं। मैम नोज पिन और दिखा दें। नोज पिन में हमारा जो स्टार्टिंग प्राइस है 1350 से है, ये जो नोज पिन है ना 1350 की, ये तो मैं दिलवा दूंगा, ये तो मैं दिला दूंगा, ये दिला दूंगा, इनका बजट अभी 10-12 ब्लॉग खींचने पड़ेंगे। कितने चाहिए, 3-4? एक दिला देता हूँ, हर संडे मंडे डेली पहना करो। अरे अच्छी वाली नहीं, ये देखो ये 1350 वाली लो, 7 ले लो, एक संडे पहनो एक मंडे पहनो, और डेली चेंज करती रहो डे बाई डे, और कहो हाँ मेरे पति ने मेरे को डायमंड दिलाया है, ठीक है। डिफरेंट लेंगे तभी तो दिखेगा, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे घर प्लॉट दिख जाएंगे मैम। छोटी है, इतनी महंगी है, 4,000 की है, 728 दिलवा दूंगा, ये भी दिला दूंगा, बोलो ये वाली अच्छी लग रही है, ये थोड़ी कॉस्ट की होगी ना, ये कितने की है, ये अप्रोक्सीमेटली 8,000 बस। अरे एक ही तो चाहिए, नहीं 3-4 बोल रहे थे। अरे मैं 1350 वाली के लिए 7 है, और वैसे लेने थे। प्यारे नोज पेन में भी डिजाइन्स हैं देखो, है ना। हाँ आपको किस लिए के लिए लेना है, मम्मा के लिए? नहीं, किसी और के लिए? गर्लफ्रेंड है कोई आपकी? वो जो मेट्रो में मिली थी बेटा कल है। अब इसे इसके लिए तो ज्वेलरी परचेज करने आ गए हो आप, बाप का प्लॉट बिकवा के माने गए। कौन सी लेनी है, कौन सी दिखाऊं, रिंग दिखाऊं, इयररिंग दिखाऊं, पेंडेंट दिखाऊं, क्या दिखाऊं? अभी उसे साइज नहीं पता, उसकी गर्लफ्रेंड की। तो इयररिंग ले सकते हो आप, है ना, ठीक है, इयररिंग ले लेना, ठीक है। अभी जाने तो अभी सब कुछ निकल गया, बोलो मम्मा मेरा पेंडेंट तो दिलवाओ, अभी आपने बोला था बर्थडे पे, है ना। चलो बर्थडे पे पक्का बेटा है, अभी बुक कर दे रहा हूँ मैं, अच्छा वाला डिजाइन वाला बनवाऊंगा जिसमें ध्रुव की फोटो होगी। तो फाइनली गाइस डायमंड फैक्ट्री से हमने ले लिया है सामान, डायमंड का ओम, स्वाति ने अपने लिए नोज पिन, तो जल्दी चलते हैं अब घर पे और आपको इसका रिव्यू देंगे, और अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, फ्री में मिलेगी भाई डायमंड, जल्दी चलो।